कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। ओ चल रहा है, खाई में घुस गया भानुपुरी यहाँ पे भाई साहब। हाथी, शेर और जंगली सुअर। ये कैरी बैग फुल हो चुका है, वो कैरी बैग भी फुल हो चुका है। काफी लेट उठा भाई, अब साइड में भाई तकड़ा सा गाना बज रहा है। सो रात को सोया था मैं 1 बजे करीब, अभी जस्ट उठा हूँ, 9:05-9:10 हो रहा होगा। ब्रश करना पड़ेगा, दिन का शुरुआत कुछ ऐसा ही है मेरा। अपना 3 दिन नहाना कंपलसरी है, मंडे ट्यूसडे और सैटरडे। वैसे और दिन नहा लूँ तो नहा लूँ, वरना वैसे ही चलते रहेगा। A heart speed to the city street. ना हो गया क्लीन से फाइनली, हर 2 दिन में कर रहा हूँ भाई। कुछ 1 हफ्ता पहले मैंने सेविंग क्लीन सेव किया था। सो एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, मतलब बिहारी और नेपाली पेरेंट्स में, नेपाली पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई क्लीन सेव रख अच्छा दिखेगा, और बिहारी पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई बियर्ड को मेंटेन करके रख, ना तो मुझ नहीं तो कुछ नहीं बोलते। सो मेरे काफ़ी बिहारी फ्रेंड्स हैं, मतलब वो लोग के पेरेंट्स ने ऐसा रिएक्शन दिया था ना, मतलब क्या है बोलूँ, मेरे को शर्म लग गया था। सो अभी तो हर 1-2 दिन में कर रहा हूँ मैं क्लीन सेव। तो पेट्रोल कम है हमारे गाड़ी पे, पेट्रोल भरा रहे और यहाँ से जलजीरा और मिर्ची लेंगे, वहाँ पे बैठ के खाएंगे। इमली लेने जा रहे हम। जलजीरा ऐसे निकी इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठी बेर। आग लगा भाई जंगल पे अभी तो फिलहाल, और यहाँ पे 2 अच्छा घर है, तगड़ा लगता। लेकिन ये बहुत पहले ही मतलब किसी ने मतलब गैस कर लिया था कि इधर अच्छा रोड बनने वाला है और अपना घर बना दे, तगड़ा वाला फार्म हाउस पन्हा लेता है। पहले हमें ये कहा जाता था कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट पन्हा लेता है, बोले बकवास सा बात था वो। लेकिन घर देखो तगड़ा सा है, पूरा ऊंचा करके बनाया है। रोड देखो, रोड नीचा है इससे काफ़ी ज़्यादा, देखो काफ़ी ज़्यादा शानदार ज़बरदस्त है भाई। ये फार्म है, हम जा रहे अंदर जंगल के यहाँ पे, और ऊपर आग लगा हुआ है। किसी ने हमारे जैसा यहाँ पे खाना वगैरह चाय वगैरह बनाया था शायद। को 3 चीज से खतरा है, हाथी, शेर और जंगली सुअर। जंगली सुअर तो मैं सोचा था जंगली सुअर भी मारता है क्या। एक बार एक फौजी को देखा हो तो जंगली सुअर मार के उंगली निकाल दिया भाई, खतरनाक सा इंजर्ड कर दिया है। और यहाँ पे ऐसा माहौल है ना, लगता है कि शेर वगैरह रहता है। काफ़ी ज़्यादा बांस का पेड़ है, ला 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 कहाँ घुस गया रे, उठ नहीं सक रहा है, खाई में घुस गया है। लो कर लो बात। क्या हो गया यहाँ पे, खाई में घुस गया भाई साहब, खाई में घुस गया भानुपुरी यहाँ पे भाई साहब। तो काफ़ी ज़्यादा है ना, सो इसलिए स्लिपरी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आटा का पेड़ है भाई, पीस। अगर हम बात करें पीस की, पीस आपको एक ही जगह मिलेगा, जंगल पे, वो है जंगल पे। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं कोई पेड़ के नीचे, आ जाए कोई जंगल पे, उसके नीचे आप मेडिटेट करें, फिर उसके बाद शेर आके आपको खा जाए, हाथी आप हाथी आके आपको मारे। और ये अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब जंगल शांत है, तो हम ये बेशक कह सकते हैं कि जंगल शांत है, लेकिन जंगल में आपको कुछ भी मिल सकता है, जैसे हाथी, बाघ, एनाकोंडा, मकड़ी से लेके मकड़ा तक, सांप से लेके हाथी तक,
शेर से लेके हरिन तक आपको सब देख सकते हैं, सब मिलेगा आपका जंगल पे। यहाँ पे हाल कुछ ऐसा है, जेसीबी का खुदाई चल रहा है साइड पे, और सामने इमली का पेड़। इन्होंने गिराया है, ऊपर चढ़ के तो फायदा नहीं पड़ा कुछ, सो इधर से गिराया, मट्टी उट्टी लग गया भाई। इकट्ठा हो गया दोस्तों, आधा झोला हो गया, आधा झोला पानीपुरी को रखा है ऊपर। बात कर रहे राम लक्ष्मण पाठक से, जोर से गिरा ना ऊपर से भाई, निकल गया है। सो फाइनली एक झोला जो है हमारा, ये कैरी बैग फुल हो चुका है, दूसरी कैरी बैग में भरने की कोशिश करता हूँ। यहाँ भानुपुरी ने पता नहीं किसी ने दिया था शायद फ्री में, उठा के लेकर आया 5-6 टूब कैरी बैग, सो इसमें भरने की कोशिश करते हैं। आप फोन यहाँ पे गिरा हुआ है, ये फोन कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। ओ चल रहा है, टकाटक चल रहा है, यहीं पे रख देता हूँ फिलहाल के लिए। कैरी बैग में थोड़ा बहुत है, आधा केजी, और इसमें देखो ये कैरी बैग फुल हो चुका है, वो कैरी बैग भी फुल हो चुका है। अब हम जा रहे हैं इधर से, तो चलो भाई